तो पूर्ववर्ती सरकार ये मांग कर रही थी कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, वो संभव इसलिए नहीं था कि CWEC की गाइडलाइन, प्लानिंग कमीशन के निर्देश उस समय के, उसके अनुसार 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर जो प्रोजेक्ट बनता है उसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है। और मैंने पत्र बताया था, अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक पत्र कमलनाथ जी को लिखा था कि हमारे प्रोजेक्ट को सहमति दी जाए, तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे ही प्रोजेक्ट भेजें, तभी हम सहमति देंगे। अब आपको पता है कि अटल जी के समय 16 परियोजना ऐसी चिन्हित की थी जिसमें केन बेतवा भी थी। केन बेतवा को मोदी सरकार ने स्वीकृत कर दिया और उसी तर्ज पर पार्वती कालीसिल चंबल लिंक परियोजना जो चिन्हित की थी अटल जी के समय 2004 में, उसको ERCP के साथ जोड़ते हुए एक योजना पर MOU हो गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, जिसमें 90% पैसा केंद्र देगा और 10% राशि राज्य को वहन करनी पड़ेगी। इसमें 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 40% आबादी को पानी मिलेगा, सिंचाई भी होगी, पानी भी मिलेगा पीने का और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी का रखा गया है। प्रतिपक्ष के लोगों का ये कहना है कि पानी घटा दिया गया, ऐसी बात नहीं है। मैंने ब्रेकअप बता दिया कि पीने के लिए कितना रखा गया, इंडस्ट्री के लिए कितना रखा गया और सिंचाई के लिए कितना प्रावधान किया गया है। इसलिए बेबजे कांग्रेस वाले, प्रतिपक्ष वाले आधारहीन तर्क दे रहे हैं और सदन को नहीं चलने दे रहा। उनको कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ चलना चाहिए सरकार के साथ। भजनलाल सरकार ने ये बहुत अच्छा काम, एक स्वर्णिम योजना, एक किसानों को सरसब्ज करने वाली योजना और उस हिस्से को जब पानी की कमी आ गई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से करवाई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री का प्लस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि एक जीवन दायनी योजना 13 जिलों को स्वीकृत कर दी, ILR और ERCP को मिला। डॉक्टर साहब, दो तीन प्रमुख चीज़ें, एक तो इसका MOU हो गया लेकिन अभी तक इसकी DPR नहीं बनी। आपने पानी का एलोकेशन बता दिया लेकिन कहा जा रहा है ये तो जो डिमांड्स है अलग अलग विभागों की तरफ से वो बताई गई है, और क्या ये MOU उतना पारदर्शी है जितना उसी जो मैंने डिमांड बताई है? वो डिमांड करीबन 3390 MCM बनती है, उस डिमांड के अनुरूप ही DPR बनेगी, DPR रिवाइज होगी। क्योंकि अब मामला पहले सिंपल ERCP का था, अब उसमें PKC जुड़ गया, तो मध्य प्रदेश को भी 13 जिलों में पानी जाएगा और हमारे राजस्थान को भी 13 जिलों में पानी मिलेगा। विपक्ष का ये भी कहना है इस MOU में उतनी पारदर्शिता नहीं है जितनी ग्लास हाउस में पारदर्शिता थी जब आप पार्टी में वापस आए। पारदर्शिता तो मैंने हर चीज माननीय संबंधित मंत्री ने, सिंचाई मंत्री ने सारी चीज बता दी, मैंने बता दी, और क्या पारदर्शिता की आवश्यकता? और कोई पूछूंगे सवाल का जवाब देंगे, मीडिया को देंगे। हंगामा खड़ा किया विपक्ष ने सदन में, लगातार आपको भी सदन को बाधित किया। बाधित नहीं करना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, जब ये मानिए करीबन शुरू में 37,000 करोड़ की योजना थी, ये बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, उसमें 90% केंद्र देगा और मात्र 10% हमको देना होगा, उनमें 13 जिलों का बहुत भला होगा, उसके बावजूद भी शोर मचाकर, हंगामा मचाकर वो राजस्थान की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो राजस्थान की जनता इनको जवाब दे चुकी है। राजनीतिक लाभ कितना होगा जो वो बैठ है जो ने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से नहीं है। राजनीतिक लाभ तो पिछले चुनाव में हम उस विशाल इलाके से जहाँ एक सीट लेकर आए थे, अब 13 सीट आई है बिना ERCP और PKC दिए हुए। अब स्वाभाविक है ERCP और PKC दे दी तो वहाँ के किसानों में एक अनुकूलता तो आएगी,
लेकिन चुनाव की दृष्टि से नहीं किया। ये डबल इंजन की सरकार है जिसने दिखा दिया कि डबल इंजन की सरकार क्या क्या कर सकती है। मुरारी जी ने कहा कि भाई कंठ सूखा है उनकी सरकार ने, लेकिन आपकी सरकार कंठ काट रही है, इस तरह के आरोप है, क्या सच्चाई है? देखो, कंठ काटना सुखाने वाला कोई बात नहीं है। उन्होंने कौन से कंठों को पानी पिला दिया? ईसरदा डैम की वो बात करते हैं और दो पड़वर है या वो वहाँ अपना नवनेरा बांध की बात करते हैं, उसमें वसुंधरा जी ने भी पैसा दिया था, तो उनका ये कहना गलत है। हमने पैसा दिया ना, दोनों सरकारों ने पैसा दिया, और जब पैसा दिया है तो फिजिबिलिटी थी, योजना जनहित में थी, इसलिए वसुंधरा जी ने भी पैसा दिया, इन्होंने भी पैसा दिया। राज्य सरकार इतने बड़े बजट में भरपाई नहीं कर सकती थी, अपनी तरफ से नहीं दे सकती थी, इसलिए मोदी जी ने आगे बढ़कर अति शीघ्र, इतनी जल्दी में कोई प्रोजेक्ट होता नहीं, उसको MOU करा दिया और अब 13 जिलों के लोगों को जबरदस्त फायदा मिलेगा, पीने का पानी का, सिंचाई का, इंडस्ट्रीज का। पानी के आंकड़े सदन में पढ़ दिए हैं, मैंने बता दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितनी डिमांड है, इंडस्ट्रीज के लिए कितनी है, इरिगेशन के कितनी है, वो डिमांड उससे पूरी हो रही है। उनकी योजना जो थी और आपकी योजना है, दोनों में पानी का अंतर है? नहीं, पानी का अंतर ये भ्रम फैला रहे, पानी का अंतर बिल्कुल भी नहीं है। इन रूट में पड़ने वाले, जैसे पहले इन्होंने 26 डैम ही लिए थे, अब इन रूट में जितने भी डैम पड़ेंगे इस योजना में वो सारे कवर होंगे, और वो करीबन 53 है, इस हिसाब से पर्याप्त पानी है। 3024 का क्या आंकड़ा होगा? हमारा 3000 है। नहीं, वो ऊपर की बातें हैं, कोई इनिशियल सर्वे में कोई बात आ गई होगी, लेकिन उस पर किसी प्रकार का MOU नहीं हुआ, अब डिटेल DPR दोबारा बनेगा। ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए, पूर्वी राजस्थान को देखते हुए अचानक से फैसला हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पूर्वी राजस्थान में खूब अब के बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती है। पहले एक सीट जीते थे, वहाँ 13 सीट लेके आए, और अगर यही इरादा होता तो विधानसभा से पहले इसको घोषित कर सकते थे, लेकिन चुनाव के बाद घोषित किया है। ये बताया है कि डबल इंजन की सरकार कितना बड़ा काम कर सकती है।